पकवान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ कच्चू, बोलिए ये आरबी का दम। जैसे आलू का दम बनता है आलू दम, उसी तरह से इसका भी मैं दम बनाती हूँ। इसके लिए मैं ली हूँ देखिए 250 अरबी, जिसको मैं बॉयल एक सीटी लगा के बॉयल करके हाफ हाफ करके काट के दो दो पीस करके काट के रखी हूँ। अरबी को मैंने कच्चू को थोड़ा हार्ड ही उबालना है, बहुत ज़्यादा नहीं उबालना, एक सीटी लगा के बस उसको छोड़ दीजिए और स्टीम मैंने खुलने तक उसको उसके बाद खोलना। उसके बाद इसको छील करके दो टुकड़े करके जैसे आलू दम बनाते हैं उसी तरह से दो दो पीस करके काटना। ग्रेवी के लिए देखिए दो प्याज मैं ली हूँ जिसको रफली चॉप करके रखी हूँ काट करके, एक टमाटर, एक इंच अदरक और 5-6 कलियाँ लहसुन की कलियाँ। छौंक के लिए देखिए अजवाइन, 2 तेज़पत्ता, 1 बड़ी इलायची, 2 टुकड़े दालचीनी के और 4 लौंग और बाकी सूखे मसाले पाउडर नमक। चलिए इसे बनाना मैं शुरू करती हूँ। इसे कढ़ाई में चढ़ा दी, चूल्हा ऑन कर दी और इसमें 3-4 चम्मच में सरसों का तेल डाली। कम तेल में ये सब्ज़ी बन जाती है और सरसों तेल में ही अच्छी लगती है। अब सबसे पहले मैं छौंक में देखिए अजवाइन को थोड़ा क्रश करके इसको डालना है। अजवाइन डालने से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और इससे गैस नहीं बनती है। तो कच्चू का सब्ज़ी में अजवाइन का ही फ़ौरन डालती हूँ। ऐसे 2 तेज़पत्ते डालूँगी, 1 बड़ी इलायची, 2 टुकड़े में डालती हूँ 1 टुकड़े और 4 लौंग। ऐसे देखिए अभी को उसमें डाल दूँगी जिसको थोड़ा भून करके निकालना। इसमें 2 पीस में आलू भी बॉइल करके डाल दी, हल्का सा देखिए इसको भून करके निकालना। उसके बाद तब तक भून लेंगे, तब तक मैं इसको ग्रेवी का तैयारी करूँगी। मैं एक हफ्ते इसको ग्राइंड करके पीस कर दिया, अब देखिए भून गया और इसमें मैं बाहर निकाल दे रही हूँ। अब 1 चम्मच में तेल डालूँगी, जो पेस्ट तैयार करके लाई हूँ उसको भूनना। अगर जो पेस्ट में पीस करके लाई तो उसको डाल लें। अब 1 चम्मच देखिए मैं हल्दी डाल रही हूँ, 1 चम्मच में तीखी लाल मिर्च, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 चम्मच देखिए काली मिर्च का पाउडर, अच्छा जिसमें मैं दूंगा 1/2 चम्मच जीरा पाउडर। इसको डाल के अच्छे तरह से भूनना है, 17 मिनट तक इसको भूनना अच्छी तरह से। हम सर मैं नमक भी डाल देती हूँ और बाकी मसाला अच्छी तरह से भून गया, थोड़ा तेल भी सेपरेट हो गया। मैं इसमें जो फ्राई किया हुआ और इनको अच्छे को डाल दे रही हूँ और थोड़ा सा 1 मिनट इसको भून करके पानी डाल दूँ। हो गया, हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी अपने आवश्यकता अनुसार जैसा ग्रेवी आप खाती उस तरह से डालिएगा। ठीक जैसे आलू दम बनता है बस उसी तरह से समझिए एक कच्चू का दम हो गया। इसमें दम गाढ़ी मैंने ग्रेवी रहेगी, ज़्यादा पतला नहीं करना। बस 2-3 मिनट इसको देखिए उबालना है, इसको बस थोड़ा गाढ़े हो जाए बस मैं उतार दूँगा। सब्ज़ी देखिए एकदम गाढ़ी हो गई बिल्कुल। अब मैं थोड़ा सा उतारने का पहले थोड़ा सा गर्म मसाला डालूँगी, 1/2 चम्मच के लिए छोटी चम्मच से। बस 1 मिनट डाल करके बस ना ऑफ कर दूँगी सब्ज़ी हमको दे दी। देखिए ग्रेवी एकदम बिल्कुल गाढ़ी हो गई। देखिए अभी एकदम ये कच्चू का दम बोलिए बनकर बिल्कुल रेडी है। और ये जो कच्चू का दम अगर खाइएगा तो फिर आलू दम को भूल जाएंगे। इतनी टेस्टी और अच्छी सब्ज़ी बनती है। आशा करती हूँ कि आप लोग बना के ज़रूर से घर में ट्राई कीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। फिर से मैं नई प्रस्तुति लेकर के आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्ते।